खबर कोलार क्षेत्र के ग्राम भाटी से, जहां रविवार को भाटी सरकार के अथक प्रयासों से नवदुर्गा में श्रीमद् भागवत कथा के साथ भगवान श्री राम जी की नवीन प्रतिमा की स्थापना ग्राम भाटी में रविवार को की गई। बता दें कि स्थापना से पहले श्री राम दरबार को रथ पर बैठाकर ग्राम भाटी में भ्रमण कराया गया। भगवान श्री राम जी ने अपनी प्रजा के बारे में समझा और ग्राम भाटी का पूरा भ्रमण किया, जिसमें भगवान श्री राम जी दरबार का श्रद्धालुओं ने जमकर पुष्प वर्षा कर घर घर के आगे आतिशबाजी कर भगवान की आरती की गई। शनिवार की रात ग्राम भाटी में भगवान श्री राम जी को रथ पर बैठकर भ्रमण करवाया गया। साथ ही रविवार को भगवान श्री राम जी के दरबार में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी सहित हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई और भगवान का 21 कुंडीय महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का भंडारा सोमवार को ग्राम भाटी में भाटी सरकार द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालु उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करने आए, जिसमें विधायक वीरेन रघुवंशी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव आदि जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के अधिकारी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं संतों ने भी प्रसादी ग्रहण की।